सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुपावहे। यही कामना हमेशा रही है भारतवर्ष की, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सभी के दुख दूर भागें। आज बहुत स्पेशल दिन है, आज सूर्य ग्रहण भी रहा है और बहुत सारे ज्योतिषी कह रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण के साथ शायद कोरोना डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड उसके अलावा आज फादर्स डे भी है, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड योगा दिवस है, आज योग का दिवस है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी को, बाबा रामदेव को, जिन्होंने योग को पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा फैलाया है कि आज पूरी दुनिया इसको मानती है और पूरा वर्ल्ड मानता है कि योगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। तो आज हम जो योगा करने वाले हैं वो है बाध्य उत्थान प्रतिष्ठासन, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं बाउंड लिजार्ड पोज, या आप इसको बंद छिपकली मुद्रा भी बोल सकते हैं। और बेसिकली ये जो लिजार्ड पोज है उसका वेरिएशन है। वैसे मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है, छिपकली देखते ही मैं भागने लग जाती हूँ, बट ये पोज मेरा फेवरेट है। सो आज हम इसको शुरू करते हैं। बेसिकली जो आपका ये वाला पैर है इसको आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है? और जो ये आपका लेफ्ट पैर है इसको आप ऐसे बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, लाइक दिस, राइट? अब ये वाला जो आपका राइट हैंड है इसको आप यहाँ से ऐसे नीचे से, राइट? और ये वाला हैंड यहाँ से, इनको इस तरीके से आपको लॉक करना है। ये है हमारा बाउंड लिजार्ड पोज। शुरुआत में वही आप इसको 20 से 30 सेकंड कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको 1 मिनट तक, 2 मिनट तक भी कर सकते हो। क्या फायदे हैं इसके? बेसिकली इससे आपका जो शोल्डर है, आपके हैंड्स हैं, बैक है, आपकी लेग्स हैं, आपके हिप्स हैं, इन सब की मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रेच होती हैं। उसके अलावा ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके फेफड़े और ज़्यादा बेटर तरीके से काम करने लग जाते हैं इसके बाद में। लेकिन अगर आपको कोई इंजूरी है, लाइक शोल्डर, बैक में किसी भी तरह की कोई इंजूरी है, तो आप इस आसन को ना करें। और इससे जो है आपका बैलेंस और कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है, तो शुरुआत में आप किसी के साथ इस आसन को करें, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप गिर भी सकते हो, जिससे आपको चोट भी लग सकती है। तो किसी के साथ इस आसन को करें और शुरुआत में एकदम से करने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाएँ। इसी के साथ मैं आज आप सबको हैप्पी योगा डे बोलना चाहूँगी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।